अगर हमें खुद पर नियंत्रण होता, अगर ये हृदय न विचलित होता, मैं सोचता हूं फिर क्या वो मंजर होता आज खुद के ही सपनों पर न खंजर होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पाराशर। आज बेसिकली हम क्लास 12th कॉमर्स के बारे में आज बात करने आए हैं। मैं कुछ दिनों से लगातार टारगेट दे रहा था, टारगेट स्टडी कर रहे थे हम। 2 तारीख से शुरू हो गया था, मैंने बीच में एक दिन रोका। आज पूरे दिन मैंने कोई टारगेट नहीं दिया, कल मैंने पूरे दिन कोई टारगेट नहीं दिया। क्या कारण है उसका? कारण बड़ा ही साफ है। पिछले साल जो बच्चे थे और उससे पिछले साल जो बच्चे थे वो रिस्पॉन्स देते थे। मैंने कोई वीडियोस बनाया, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। उनके लिए तो मैं एक ग्रुप बना रखा था, उसमें मैसेज कर देता था आज ये करना है। आपके लिए तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ और उसमें भी वो बकायदा पेज बता रहा हूँ, ओटी बता रहा हूँ, हर एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, गलत बात है ना? आप क्या मुझे कोई फीस दे रहे हैं? नहीं दे रहे ना, फिर भी मैं ये चीज कर रहा हूं। क्यों? क्यों? बीकॉम वाले भी है स्टूडेंट, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, उनको छोड़ के भी मैं 12th पे फोकस क्यों कर रहा हूं? कारण है उसके पीछे, उसके पीछे कारण है। मेरी एक स्टोरी है 12th वाली, वो मैं पहले वाले कमेंट में दे दूंगा, देखना वो स्टोरी जाके। मेरी फेलियर स्टोरी है वो। लोग अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं, क्योंकि हमको क्या है ना, हमको यही सिखाया जाता है बचपन से कि आप सक्सेस स्टोरी देखिए, है ना? और हम देखना भी वही चाहते हैं, पर यहां पे आपको वही चीज मिलेगी जो रियलिटी वाली होगी, जो आपको आगे बढ़ाएगी मेहनत करके। शॉर्टकट से मेरे पास कोई रास्ता नहीं है बताने का कि ये तरीका है, पेपर मिल जाएगा 1 घंटे पहले पढ़ने में पूरा। मेरे पास नहीं वो तरीका, मैं तो आपको मेहनत करवा सकता हूं और वो आपको करना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि मैं टारगेट ना दूं, पर कई सारे स्टूडेंट्स का रेगुलर बेसिस से फोन है कि आप टारगेट दीजिए, हम जरूर पूरा करेंगे। मेरा ये भी सोचना था यार, मैं बीकॉम को पढ़ाऊं, मैं इधर क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं, पर बार बार मेरे मन में यही चीज आ रही थी कि यार नहीं, जो कम से कम एटलीस्ट पढ़ रहा है, 5-6 स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। तो भाई मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, है ना, हर एक बोर्ड के लिए। मैं सिर्फ एमपी बोर्ड की बात नहीं कर रहा, एमपी बोर्ड को तो हम टॉप प्रायोरिटी पे लेके चल ही रहे हैं, एमपी बोर्ड के क्लास 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। पर बाकी अदर जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो भी इस नंबर पर व्हाट्सएप पर ऐड हो सकते हैं। आप मेरे को हाय लिख के, अपना नाम लिख के, अपनी प्लेस लिख के मेरे को भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। ये सिर्फ क्लास 12th कॉमर्स के लिए है, मैथ्स के लिए नहीं, बायो के लिए नहीं, आर्ट्स के लिए नहीं है। तो ये ग्रुप है बेसिकली, मतलब इस पे आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। एक ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट समझते हो गया आप, इसलिए कोई भी लड़का हो लड़की हो तो ये इस चीज में परेशान ना हो कि मेरे को कोई कॉल करेगा। तो ग्रुप नहीं है ये, ब्रॉडकास्ट है, ये मेरे द्वारा क्रिएट होता है। इसमें जो मैं मैसेज करना चाहूँ वही मैं मैसेज करता हूँ। आप मुझे जो मैसेज भेजोगे वो पर्सनल मेरे पास आएगा। ये ब्रॉडकास्ट होता है, आपको पता होगा शायद फीचर ब्रॉडकास्ट का, है ना? ये फिर व्हाट्सएप पे होता है ये फीचर, ठीक है? तो इसमें ग्रुप नहीं होता है, इसमें कोई भी आपको लड़का लड़की को कॉल नहीं कर सकता, लड़की लड़के को कॉल नहीं कर सकती, नंबर एक्सचेंज नहीं होते। ये मेरा तरीका है ग्रुप बनाने का, ठीक है? ठीक है, तो इसमें आप कोई भी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जुड़ना है भाई, है ना? हर आदमी को नहीं जुड़ना है ना? जो प्रिपरेशन करना चाहता हो, क्लास 12th एग्जाम 2023 के दे रहा हो, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भैया, बोर्ड एग्जाम जो 2023 में दे रहा हो वो ही जुड़ना भाई, है ना? वो ही बच्चे जुड़े। और हाँ, जहां तक रही टारगेट की बात, तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे थे मेरे साथ क्लास 12th कॉमर्स में, जो भी हमने अभी तक पढ़ा, 2 3 4 5, 4 सेशन ले चुका हूं, तो 4 सेशन में जो भी हमने पढ़ा उसका रिवाइज करना आज आप और कल तक। तो कल मैं आपको 8 बजे, संडे है कल, हमको रुकना नहीं है क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था रुकना नहीं है। ऑलरेडी मैं कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं ऑलरेडी लेट स्टार्ट किया है हमने, तो 68 डेज का टारगेट है। कल 8 बजे मैं टारगेट आपको दूंगा, डेली बेसिस पर आपको टारगेट मिलेंगे। और आप यार एक चीज सोचो ना यार, मैं डेली टारगेट देने को तैयार हूँ विदाउट एनी फीस। आपको टारगेट कुछ नहीं लेना है और उसको सॉल्व करना है, वो इतना ज्यादा नहीं दे रहा मैं। आप ये सोचिए, मैंने परीक्षा बोर्ड लाया हूँ 5 अकाउंट्स की, बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की, हिंदी इंग्लिश की, परीक्षा बोर्ड लाया हूँ 5 तो मेरा 1,000 का खर्चा तो यही हो गया। मैंने क्यों किया ये खर्चा? अपने लिए? अरे मैं तो कर चुका हूँ यार पास, आप ही लोगों के लिए। थोड़ा सा इस चीज को समझिए, ज्यादा इस वीडियो को मैं नहीं खींचना चाह रहा,
ज्यादा मैं आपको डांट भी नहीं लगाना चाह रहा, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि डेली बेसिस पे जो मैं टारगेट दे रहा हूँ उसको कमेंट कॉलम में आपको कमेंट करके बताना कि हाँ हमने पूरा कर लिया, जिससे मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिले। मैं क्यों लिख रहा हूँ एक पेज पे यार आज मैंने एक चैप्टर दिया, इन लोगों ने इतना इतना परसेंट पूरा कर लिया होगा। मैं खुद ही अपने डिसाइड कर लेता हूँ अपने हिसाब से। मैं कभी 100% लिखता ही नहीं हूँ 100% स्टूडेंट ने कर लिया होगा। मैं हमेशा लिख रहा हूँ 50% किया होगा, 60% किया होगा। मैं जानता हूँ ना, मैं पहले खुद को जानता हूँ इसलिए आपको जान पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो ये सब बात की बात है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर ऐड हो जाइए। ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा, मैं ऐड धीरे धीरे कर लूंगा, इसलिए चिल्लाना मत क्या मैं ऐड नहीं किया, ऐड नहीं किया। वीडियोस आपको डेली मिलती रहेंगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। यदि आपको हेल्प लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक कर दो। आप और भी वीडियोस को लाइक करते हो ना वैसे इस वीडियो को लाइक कर दिएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम ज्यादा कुछ बात है नहीं बोलने को, तो कल मिलते हैं हम, और कल हम डेली बेसिस पर टारगेट रखेंगे। कल संडे है पर फिर भी टारगेट सीरीज हमारी रहेगी, रहेगा डेली 8 बजे, रात में 8 बजे आपको डेली 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 आपको टारगेट मिलेगा क्लास 12th कॉमर्स के लिए आपके एग्जाम तक। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, क्या आप चाहते हैं आपको PDF दी जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, अकाउंट की, बिजनेस की और इकोनॉमिक्स की, ये बता दीजिएगा। दूसरा, क्या आप चाहते हैं कि 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएं अकाउंट्स के, बिजनेस के और इकोनॉमिक्स के, नॉट हिंदी इंग्लिश। ओके, हिंदी इंग्लिश की प्रिपरेशन करवा सकता हूं, इंपॉर्टेंट नहीं दे सकता। डेली टारगेट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिया करूंगा, नो डाउट, और कोशिश करूंगा यदि हिंदी इंग्लिश दे पाया तो हिंदी इंग्लिश भी देने की कोशिश करूंगा, नॉट श्योर। ठीक है, तो यहां तक ये सारी चीजें मेरे को बता दीजिएगा, समय लगेगा, धीरे धीरे कोशिश करूंगा मैं भी, क्योंकि मेरे को इतना ज्यादा एकदम से प्रेशर मत डालना मेरे ऊपर, तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने अच्छे से पढ़ाई करिए, और बाकी मैं आपके साथ ही हूँ। ये नंबर है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, ठीक है, अर्जेंट हो तो ही कॉल करिएगा। ठीक है, बाकी आप मैसेज करिए, मैसेज पे ही सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, शेयर जरूर करिएगा, थैंक यू। और हाँ भैया, इंस्टाग्राम है हमारा अकाउंट हिमांशु पाराशर 1 के नाम से, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट कॉलम में। इसी के साथ साथ फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, टेलीग्राम चैनल भी है हिमांशु कोचिंग क्लासेस के नाम से, फेसबुक पेज भी है हिमांशु कोचिंग क्लासेस के नाम से। ये फॉलो करने के इसके ही पैसे नहीं लगते, इसको भी फॉलो किया जा सकता है, ये भी मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा जिससे मैं और वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए, तो कर लेना इसको फॉलो। ठीक है, बाकी एक कमेंट कॉलम में वीडियो देख रहा हूँ, मेरा ही वीडियो है माय फेलियर स्टोरी करके, तो उसको जरूर देखना, अच्छा लगेगा। थैंक यू।